कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में सभी छात्र और छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम त्रिकोणमिति 8.1 प्रश्नावली के कुछ और सवाल लेकर आए हैं। आइए देखते हैं, आठवां सवाल देखते हैं। 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A। ये मान हमें दिए हुए हैं, इससे हमें इनके मान निकाल करके दोनों साइड बराबर दिखानी है। अगर सही है, बराबर है, तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर इज नॉट इक्वल टू कर देंगे। देखिए हल, 3 cot A = 4, cot A बराबर 4/3 हो गया, ट्राइंगल पूरा कर लिया हमने। ठीक है, 4/3 आधार बटे लंब होता cot का, तो ये हो गया आपका AC निकाल लिया हमने, अंडर रूट 4² + 3² = 16 + 9 = 25, 5 आ गया, कर्ण 5 आ गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या, 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A - sin² A। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं इसकी LHS, 1 - tan² A / 1 + tan² A। मान रख रहा है इसमें 1 - tan का मान हमारा क्या, लंब बटे आधार 3/4 का होल स्क्वायर, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब खोलना है 1 - 9/16, 1 + 9/16, ऊपर का लो उत्तम 16 आ गया, 16 * 16 - 9, नीचे का लो उत्तम 16 आ गया, 16 * 16 + 9, 16 कट गया, 16 में से 9 गया, 7 बचे, और 16 * 9 = 25। इसका मतलब ये हो गया कि 7/25 इसका आंसर ये आ गया। इसी प्रकार से यही मान राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। आइए देखते हैं, RHS पर रखते हैं हम राइट हैंड साइड पे, दाएं पक्ष में क्या है, cos² A - sin² A। cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता, तो आधार हमारा 4 है, कर्ण 5 है, 4/5 का होल स्क्वायर। उसका साइन स्क्वायर है, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, 3/5 का होल स्क्वायर। खोल दिया, 4 * 16 = 25 और 3 * 3 = 9/25, लघु उत्तम 25 आ गया, 16 - 9 7/25 आ गया। अतः स्पष्ट है कि LHS बराबर RHS। अब देखिए नवा सवाल देखते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3, तो निम्न के मान बताइए। दो सवाल दिए हुए इसके अंदर, देखिए टेन ए बराबर होता है 1/√3 दिया हुआ है, क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया इसका 1, आधार हो गया √3। अब हम इससे इसका कर्ण निकाल लेंगे, तो AC = हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 का 3 हो गया और 1 का 1 हो गया, 4 हो गया, 4 का √2 आ गया, √4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 निकल आया। अब देखिए हम रखते हैं मान, फर्स्ट सवाल देखते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए इस एक एंगल को इसको मानेंगे, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब इसका 1 हो गया कर्ण, देखिए मान रखते हैं इसमें BC / AC। उसके बाद कॉस सी, कॉस सी इसके लिए आधार ये होगा सी के लिए, तो ये होगा 1 BC / AC। इसी प्रकार से कॉस ए, तो ये होगा आधार बटे कर्ण, तो AB / AC। इसी प्रकार से साइन सी, साइन सी का आधार क्या हो जाएगा, सी के लिए आधार दिया जाएगा, साइन सी लंब ये होगा, ए बट लंब ये हो जाएगा ना, तो AB / AC। अब देखिए क्या होगा, मान रख दिए 1/2 गुणा करके प्लस √3/2 × √3/2, ये हो गया 1/4 + 3/4, √3 की √3 से गुणा 3 हो जाती है। अब लघुत्तम ले लिया 4, तो 1 + 3 = 4/4 एक आ गया। अब राइट हैंड, इसलिए दो सवाल देख रहे हैं अब, ये तो इसका तो एक ही साइड थी। अब सेकेंड सवाल में क्या, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन है साइन सी। कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण, आधार AB / AC। उसके बाद कॉस सी BC / AC। उसके बाद आया साइन ए, साइन ए का BC / AC। उसके बाद साइन सी, साइन सी का AB / AC। मान रख दिए √3/2, इसका मान 1/2 माइनस BC / AC 1/√2, सही, सॉरी 1/2 आएगा, ये गलत हो गया, AC 2 है ना, 1/2। अब क्या हो जाएगा, ये √3/4 और ये भी √3/4, दोनों कट गए, बीच में माइनस है, आंसर 0 आ गया। तो आज ये अपने दो प्रश्न देखे,
8.1 के। कल फिर कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।